नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिजिटल किट युक्त डिजिटल मीटर जो है आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले दिखा रहा है, इसके हम डाटा बताने जा रहे हैं, वो भी 15 KVA का। तो दोस्तों ये 15 KVA का डाटा है जिसमें आप 50 से लेकर 300 वोल्ट तक इसकी रेंज है, इतनी वोल्ट में ये वर्क करेगी। और ये आपको सिंपली आप देख सकते हैं कि इस डिजाइन वाली किट पर, यानी कि डिजिटल डिजाइन वाली किट पर बहुत ही अच्छी वर्क करेगी। इसमें आप हाई कट, लो कट, टाइम डिले इत्यादि सब कुछ डिस्प्ले कर रहा है बिल्कुल ब्रांड की तरह। इसकी लुक लाइट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और इस कारण ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है ये किट और ये बॉडी। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे जो स्टेबलाइजर है उनके बारे में। तो इनमें आप हैवी लोड नहीं दे सकते हैं क्योंकि 50 वोल्ट में आप हैवी लोड दीजिएगा तो अगर आपका न्यूनतम 50 वोल्ट मिलेगा तभी ये वर्क करेगा, अगर न्यूनतम आपका 50 से कम हो जाए तो ये वर्क नहीं करेगा। इस बात की आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं हम अपने आगे इसके जो डाटा है इसकी ओर, जिसमें आपकी बबिन साइज हो जाएगी और कोर साइज हो जाएगी 8B कोर इस्तेमाल होंगे, जबकि इसमें बबिन साइज हो जाएगी आपकी 8 नंबर 5 इंच, जबकि इसके प्राइमरी वायर जो है वो 10 नंबर और सेकेंडरी वायर है ये आपको 9 नंबर रिवाइंड करनी है, जबकि इसमें रिले ऑपरेटिंग, किट ऑपरेटिंग एंड मीटर के लिए आपको जो सप्लाई दी जाएगी LT वोल्टेज यानी ट्रिगर वोल्टेज वो हो जाएगी ये आपकी 22 नंबर या 21 नंबर वायर से आपको रिवाइंड करनी है। और इसमें आपको जो रिले इस्तेमाल करना है वो लगभग 100 एम्पियर का होना चाहिए। इसमें अच्छी तरह से वर्क करने के लिए आपको ये सब इस्तेमाल करने होंगे और ये फुली कॉपर है, इसे आप एल्युमिनियम में इस्तेमाल न करें अन्यथा आपकी ट्रांसफार्मर जल सकती है। अब इसकी मेन डाटा की ओर चलते हैं। तो इसकी मेन डाटा जो है जो आपको 50 वोल्टेज के लिए है वो 41 टन है, यानी कि 0 से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको दोबारा 0 नहीं करना है। तो 50 वोल्टेज के लिए आपको जो है सिर्फ 41 टन, उसके बाद 90 वोल्ट के लिए 170 टन, 140 वोल्ट के लिए यानी कि 136 वोल्ट के लिए जो है वो 103 टन, उसके बाद 126 टन और अंत में आपको 152 टन होंगे और ये 7 स्टेप में वर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 7 स्टेप में वर्क करेगा, इसे आप 5 स्टेप में नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो ट्यूनिंग इत्यादि है वो आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको करना क्या है कि जो प्राइमरी है यानी कि 0 से 41 टन ये आपकी 10 नंबर से और सेकेंडरी जो है इसकी आप 9 नंबर से रिवाइंड कीजिएगा। अगर आपको अगर वेस्ट लगे तो A to Z आप 9 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी ट्रिगर वोल्टेज। अगर आप 24 वोल्ट की किट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 14 टन, अगर आप 12 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 7 टन या 8 टन आप दे सकते हैं। तो ये आपकी किट और रिले दोनों की सप्लाई देगी। तो इसकी गेज आपको अच्छी होनी चाहिए और दोस्तों इसको आप जब भी रिवाइंड करें तो पूरी ताकत लगाकर टाइट रिवाइंड करें, क्योंकि लूज होने पर ये आपको सही से वर्क नहीं करेगा, हमिंग आएगी, साथ में ट्रांसफार्मर भी गर्म होगा। तो आपको जब भी रिवाइंड करनी है तो इसे टाइट रिवाइंड करनी है। और इसकी जो कनेक्शन और कनेक्शन डायग्राम और इसकी जो सेटिंग है इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में इसके फुल वीडियो जो इसकी कनेक्शन डायग्राम सेटिंग इत्यादि सब कुछ बताई जाएगी और वो भी कई तरह की आपके इसकी कनेक्शन डिजाइनिंग मिलेंगे, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि किस किस किट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर कहिएगा और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और नए हैं तो इस तरह प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे।